अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपना काम भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारा इंग्लिश का है लेक्चर नंबर 8। सो बच्चों, ओपन योर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 पेज नंबर 71। हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में इसकी पोइम की रीडिंग की थी, तो आज हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सो पेज नंबर 71 एंड योर बी पार्ट इज वर्किंग विद वर्ड्स। देयर इज समथिंग रॉन्ग हेयर, कैन यू राइट द पेयर्स करेक्टली। ये पेयर्स जो हैं ये करेक्ट नहीं है, इनको हमने करेक्टली मैच करना है। जैसे राइट अ लेटर, ठीक है, कलेक्ट स्टैम्प्स, रिसीव, रिसीव के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट, यस, रिसीव अ प्रेजेंट, पास अ टेस्ट, प्ले अ जोक एंड शो योर फीलिंग्स। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको अपनी बुक पर मैच कर लेना है। इसका अब 2 है, सी इफ यू कैन फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सर्कल इट। उन्होंने कहा इसमें से जो ऑड वन आउट है, यानी जैसे वो किस तरह, जैसे देखें, क्रोकोडाइल भी एनिमल है, कैट भी, डॉग भी, ये तीनों एनिमल है, लेकिन क्रिकेट क्या है? ये एनिमल तो नहीं है, ये एक गेम है। सो इसका मतलब ये क्या है? ये ऑड है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। इसी तरह काइट है, एरोप्लेन है, एरो है, ये तीनों हवा में उड़ सकते हैं, बट बो कहते हैं कमान को, जिसमें से तीर को, एरो को छोड़ा जाता है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। पाइनएप्पल, पी, मार्बल, कोकोनट। पाइनएप्पल भी हम खा सकते हैं, पी भी, कोकोनट भी, लेकिन मार्बल, ये जो संगमरमर होता है, आपको पता ना, फर्श वगैरह बनाने में यूज होता है, इसको तो हम नहीं खा सकते, इसको हम सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू योर पेज नंबर 72। सी पार्ट, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। नाउन्स का हमें पता है कि नेमिंग वर्ड्स को नाउन्स कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है? जो डिस्क्राइब करता है नाउन को। सो रीड दीज वर्ड्स, नाउन्स दिए हुए हैं मैन, चेयर, ट्री, टाइगर, और ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हुए हैं? फीरियस, पुअर, शेडी, कंफर्टेबल। उसने कहा है मैच ईच नाउन विद अ सूटेबल एडजेक्टिव, यानी हर नाउन को हमने एक एडजेक्टिव के साथ मैच करना है। यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, फिर उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। वैसे मैन एक नाउन है और इसके साथ हम पोअर को मैच कर देंगे। फीरियस क्या होगा? टाइगर, ठीक है ना। उसके बाद शेडी, चेयर तो नहीं ना हो सकती, तो शेडी ट्री, और कंफर्टेबल चेयर। फर्ज करें अगर मैंने पुअर मैन का सेंटेंस बनाना है, तो मैं कह सकती हूँ द पुअर मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, या द पुअर मैन वॉज वॉक सिटिंग इन द पार्क। एक आपने खुद से बनाना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी पर, क्योंकि ये आपका पार्ट सी है। पहले आप इसको ऊपर मैच किया हुआ लिखेंगे और फिर इसका आगे से सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका आ रहा है द एपोस्ट्रोफ, नंबर 2 पे है। लुक एट द फॉलोइंग, दिस इज रेहान, ही इज अ हैप्पी बॉय। अब मैंने ही इज नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये ही इज की शॉर्ट फॉर्म है। इधर नीचे बताया भी गया है, इन द सेंटेंस अबव ही इज स्टैंड्स फॉर ही इज, यानी ही इज किस लिए होता है यूज? ही इज के लिए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नाउ सी इफ यू कैन से व्हाट द फॉलोइंग स्टैंड फॉर। जैसे ए पर है डैट्स, तो डैट्स की फुल फॉर्म क्या होगी? डैट इज, ठीक है ना। इस तरह आपने इसके आगे लिख देना है। उसके बाद बी पे है हूज, ये हो जाएगा हु इज, हु इज, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इज नॉट, आर नॉट, वेयर इज, वी आर, ठीक है। इनको आपने इसी तरह आगे फुल फॉर्म में लिख देना है। जो नेक्स्ट पार्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीड दीज वर्ड्स, दे ऑल हैव द लेटर सी इन देम। अब आपने इसकी साउंड देखना है, साउंड्स लाइक एस, साउंड्स लाइक के, दोनों में यूज तो सी ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी साउंड एस में आएगी, यहाँ पर के में आएगी। जैसे एस साउंड में आ रहा है प्लेस, फेस, इसको हम सॉफ्ट पढ़ रहे हैं, और के साउंड आ रहा है कैन नॉट, कॉ, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। नाउ लुक एट योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73। नाउ रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पहले हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे। जैसे रेस, कैन, ट्रेस, स्पेस, कार्ट, सेकेंड, माइस, फैक्ट्री, आइस, ट्वाइस, रिकॉर्ड, सिटी, सेल, डिक्शनरी, डाइस, पिकनिक, राइस, सीरियल, डॉक्टर, कैसल, प्लेस, कैबेज,
नाइस केयर. अब उन्होंने कहा जी ड्रॉ टू कॉलम्स इन योर नोटबुक वन फॉर ईच साउंड राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस. कैन यू फाइंड अ रूल फॉर व्हेन सी साउंड्स लाइक एस एंड व्हेन इट साउंड्स लाइक के. उन्होंने कहा अपनी नोटबुक पर दो कॉलम बना के आपने इनकी साउंड बतानी है ठीक है कि कब सी की साउंड एस में आ रही है और कब इसकी साउंड के में आ रही है. तो आपने अपनी नोटबुक पर नहीं बल्कि यहाँ पर ही ऊपर बताते जाना है. जैसे फर्ज करें रेस, रेस में इसकी साउंड कैसी आ रही है एस, तो मैं इसके ऊपर एस लिख दूंगी. अब कैन, कैन में कैसी आ रही है के साउंड, तो मैं इसके ऊपर के लिख दूंगी. जैसे इधर आइस में अगर आइस पढ़ेंगे तो यहाँ पर एस साउंड आ रही है. लेकिन पिकनिक, पिकनिक में कौन सी साउंड आ रही है के. इसी तरह आपने इनको रीड करना है दोबारा ठीक है. और जो सी साउंड आती जाएगी, अगर एस की साउंड आ रही है तो ऊपर ही एस लिख देंगे और अगर के की साउंड आ रही है तो ऊपर ही के लिख देंगे. अपनी नोटबुक पर काम नहीं करना, ये आपने इसी के ऊपर सॉल्व कर देना है. अब आपका इसका लास्ट पार्ट है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. इसका आपने राइमिंग वर्ड आपको पता ही है जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं. जैसे फेस का हम कर सकते हैं रेस ट्रेस, तो मैं ये इसके ऊपर ही लिख दूंगी रेस ट्रेस. जो भी आपके जहन में आते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं. अब जैसे गो का है लो ठीक है रो सो, डे का हम लिख सकते हैं से ले मे, उसके बाद बोल्ड का आप बता सकते हैं क्या बना सकते हैं, हाँ जी सोल्ड कोल्ड मोल्ड फोल्ड. तो इसमें आप बेटर और जो इसका आएगा बेटर का आप लेटर या मैटर कर सकते हैं. इसके अलावा भी कोई आपके जहन में आ सकता है तो आप वो कर सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ योर बुक वर्क ठीक है. आपने इसको ये नहीं करना यूज़ दैम इन अ पोइम ऑफ योर ओन, नहीं, सिर्फ आपने इनके राइमिंग वर्ड्स को इसके ऊपर ही एक एक करके लिखते जाना है. सो ठीक है, अपना इसका ध्यान से आपने बुक वर्क नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है, उसको लर्न भी करना है. सो स्टे एट होम एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.